हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दिगंत और मैं उपासना। आज हम जा रहे हैं कैलिफोर्निया साइंस सेंटर, जो कि एक नॉलेज हब है। अगर अमेरिका में लॉस एंजलिस आप घूमने आते हो तो ये जगह आपको जरूर जाना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इनफैक्ट हर उम्र के लोगों के लिए सीखने को और देखने को बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड। आज का स्टोरी शुरू करने से पहले हमने सोचा आप लोगों को हमारे पिछले एपिसोड के कुछ फ्लैशबैक और सेल्फी शेयर करो। वहाँ पे हमने वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल, कैलिफोर्निया प्लाजा और ग्रैंड सेंट्रल मार्केट हम लोग ने कवर किया था। तो चलिए आज का स्टोरी हम शुरू करते हैं। कैलिफोर्निया साइंस सेंटर एक्सेस करने के लिए दो एंट्रेंसेस है और ये आपका फ्रंट गेट या तो मेन गेट है। यहाँ पे एंट्री फी नहीं लगती है, लेकिन आपको पास एक कूपन जरूर होनी चाहिए जो बार कोडेड है और फ्रंट गेट काउंटर से आपको मिल सकती है। हम लोगों ने यूएसए जेफरसन मेट्रो रेलवे स्टेशन के बगल वाले जो गेट है वो एक्सेस किया इस म्यूजियम में जाने के लिए। अपने पास कोविड वैक्सीन रिकॉर्ड्स और आईडी प्रूफ हमेशा रखती है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट कैलिफोर्निया साइंस सेंटर .org। फाइनली कूपन्स मिल गए एंड वी गॉट इन। प्लीज एक फ्री इंफॉर्मेशन बुकलेट अपने पास रखिए। यहाँ पे फ्लोरवाइज डिस्क्रिप्शन किया गया है जो कि आपको थॉरली एक्सप्लोर करने में जरूर हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 कैप्सूल, जहाँ पे हैम नाम के चिंपैंजी को भेजे गए थे January 31, 1961 को। कमाल का कलेक्शन है द अपोलो सोयुज मिशन, जहां पे फर्स्ट क्रूड इंटरनेशनल स्पेस मिशन कैरिड आउट किए थे जॉइंटली बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। चंद्रमा से भी सैंपल लाके ये लोग रखे हैं। स्पेस सूट्स, ये मोशन बेस्ड सिमुलेटर है जहाँ पे आप राइड बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, काउंटर पे भी जा पे कर सकते हैं। मेरी वाइफ ने लूनर राइड के लिए चूज किया और हम लोग ने ये राइड किया। दैट वाज एक्साइटिंग। ये पूरा फोटोग्राफ एंडीवियर स्टोरी को बताते हैं। द वाइकिंग लैंडर, स्पेस क्राफ्ट के टायर्स भी म्यूजियम में रखे हैं। स्पेस में आप पॉटी कैसे करेंगे इसका भी अच्छा से एक्सप्लेनेशन दे के रखा है और स्पेशल एस्किमोस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये है एक मॉडल वर्क स्टेशन फॉर कैरिंग आउट स्पेस मिशंस। फाइनली हम लोग एंडीवियर स्पेस शटल की तरफ चल दिए। ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। एंडीवियर स्पेस शटल को अपने आंखों के सामने ऐसे देखना, मैं इस मोमेंट को भूल नहीं सकता। इसने अपनी जर्नी May 1992 में शुरू किए और May 2011 में खत्म। इस लेजेंडरी स्पेसक्राफ्ट ने 4,671 ऑर्बिट्स किए अराउंड द मदर अर्थ। ये
ये एक रॉकेट नोजल फनल है जो रॉकेट के एकदम नीचे लगी हुई होती है रॉकेट को थ्रस्ट देने के लिए, काइंड ऑफ एग्जॉस्ट। चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप के भी मॉडल बने हुए हैं। बीस के COVID-19 के डॉक्टर्स वॉरियर्स के नाम पे और इस जंग के ऊपर एक जोन बना के रखे हैं। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड ऑफ लाइफ की तरफ चल दिए। यहाँ पे इतने सारे इंटरेक्टिव गेम्स होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे लिए भी, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई विश हमारे देश में भी हर कोने में ऐसे ही एक म्यूजियम होते। इस सेक्शन में स्पेशली प्रेगनेंसी और ह्यूमन बर्थ का हर एक फेज इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई आराम से समझ सकते हैं। हम लोगों ने फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन सेक्शन की तरफ चल दिए। यहाँ एक काइंड ऑफ सिनेमा हॉल जहाँ पे आप बैठ के बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने एक्सट्रीम जोन सेक्शन की तरफ चल दिए जहाँ पे डेजर्ट डीप सी एनवायरनमेंट और पोलर रीजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। मेरी वाइफ काफ़ी बिजी थी, डीप सी के अंदर कोई ट्रेजर ढूंढ रही थी शायद। इस साइंस सेंटर में काफ़ी सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स पे रखे गए हैं, जैसे कि ड्राई लाइफ में ये लोग गीला मॉन्स्टर से लेके कुछ कुछ लिजर्ट्स और लिजर्ट्स भी रखे हैं। फिर हम लोगों ने displayed marine life के तरफ चल दिए and this was super exciting। आप हर किसी को छू सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, हमेशा दो उंगलियां ही यूज कर सकते हैं। मुझे तो goosebumps आ गए, but it was awesome। ये सभी starfish है, यहाँ पे sea anemone, starfish, snails सबसे ज्यादा है। यह है सी एनिमल, इसमें 100 से ऊपर थाउजेंड्स मे बी टेंटिकल्स होते हैं। सी एनिमल्स एक्चुअली बाइट करते हैं लेकिन ये यूजुअली ह्यूमन स्किन को पियर्स नहीं कर सकते। दे आर वेनमस, जहरीला होता है, इसमें बर्निंग सेंसेशन ह्यूमन को हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं जहाँ पे किसी ह्यूमन को ये मार सकें। Looks creepy, but that's an awesome feeling. ये लॉस एंजेलिस जोन है डेडिकेट किया हुआ, जहां पे सिटी और वाइल्ड लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया हुआ। फाइनली थर्ड फ्लोर गए, काफी सारे चीज इस बार मैंने नोटिस किया कि बंद थे या तो रिनोवेट हो रहे थे। यहाँ के गिफ्ट स्टोर से आप काफी सारे मेमोरीज, गिफ्ट्स और सोविनियर्स ला सकते हैं अपने फैमिली के लिए।
ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।